वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में करियर और एजुकेशन से रिलेटेड ही बात ही करता हूँ, लेकिन आज की ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। वो लॉ के कोर्स के किसी भी ईयर में या सेमेस्टर में हो, ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है। ये वीडियो और भी खास इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल स्कॉलरशिप। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे करियर और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। GEV मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप 2022 के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है दोस्तों। GVE स्कॉलरशिप फंड ट्रस्ट की एक पहल है जिसका उद्देश्य है लॉ स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जी हाँ, ये ट्रस्ट जो है लॉ के स्टूडेंट्स को, जो मेधावी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनती लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप प्रदान करता है और उन्हें भारतीय संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। ये ट्रस्ट जो है स्टूडेंट्स को लॉ के फील्ड में आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त लॉ संस्थान से LLB या LLM डिग्री कोर्स के किसी भी वर्ष में दाखिला ले चुके छात्र या क्लैट, LST इंडिया, AILET या किसी अन्य लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने वाले छात्र भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। इसके लिए जो है पारिवारिक आय जो है, यानी कि फैमिली की जो इनकम है, वो सभी स्रोतों से 10 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। साथ ही उन्हें GVE मेरिट स्कॉलर्स के अगले बैच की सहायता और पोषण के लिए स्कॉलरशिप फंड के वार्षिक मेंटरशिप कार्यक्रमों के लिए साइन अप करने के लिए तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो GEV मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट्स को अगर ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो एलिजिबल हो जाते हैं, ट्रस्ट उन्हें एलिजिबल पाता है, उन्हें स्कॉलरशिप देता है, तो उन्हें नेक्स्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर साइन अप करना होगा। तो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये सालाना तक की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो मेंशन कर दी गई है, सारी डिटेल्स डाल दी गई हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए जो है वो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल होंगे और इसके लिए आप 30 जून 2022 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब है कि जून का पूरा महीना आपके पास है और साथ ही साथ इस मई महीने के 8-10 दिन भी आपके हाथ में है, यानी कि इनफ टाइम है आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस कैन बी ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हेल्प योर करियर, टू हेल्प योर स्टडीज़, टू हेल्प योर सेल्फ। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो करियर और एजुकेशन से रिलेटेड हों वो आप तक पहुंचती रहें और आप अपने जीवन में एक अच्छा डिसीजन ले सकें।